एक अडानी की कमाई 1600 करोड़ रुपए एक दिन में और भारत के एक किसान की कमाई 27 रुपए एक दिन में, और भारत की जितनी भी संपत्ति है सारी बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी है। तो जब सरकार की नीयत यह होती है लूट लालच सत्ता, तो यही होता है। और इसे ठीक करने के लिए जनता को खड़ा होना पड़ेगा। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है अपना हक मांगो, जिन महिलाओं को कुछ नहीं मिलता महंगाई से तरस रही हैं अपना हक मांगो, जिनको लड़ाया जा रहा है एक दूसरे से जाग जाओ, इस लड़ाई झगड़े से सिर्फ उन्हीं का फायदा हो रहा है तुम्हारा नहीं हो रहा है। चाहे तुम हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो कुछ भी, फायदा सिर्फ उन्हें हो रहा है। और जितना इनकी बातों में आप पढ़ते चले जाएंगे उतना नुकसान इस प्रदेश का इस देश का होते चले जाएगा। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं, आपके दुख सुनने के बजाय अपना दुखड़ा आपको सुनाते हैं। ನಾನು ಮೊದಲೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಕೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಂತ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಔರ್ ಕಿಸಿನೆ ಉನ್ಕೆ ಆಫೀಸ್ ಮೇ ಬೈಠ್ ಕರ್ ಏಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬನಾಯಿ ಹೈ, ಅರೆ ಆಪ್ಕೆ ದುಖೋ ಕಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನಹೀ ಹೈ ವೋ, ವೋ ಆಪ್ಕಿ ಸಮಸ್ಯಾಓ ಕಿ ಲಿಸ್ಟ್ ನಹೀ ಹೈ, वो ये लिस्ट नहीं है कि किसानों की क्या समस्या है हमें क्या करना है, वो ये लिस्ट है कि मोदी जी को कितनी बार किसने गाली दी है। मोदी ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನದವ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಕಷ್ಟಗಳು ಅದವ ಅನ್ನುವಂತದ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಜನ ಎಷ್ಟು ಬೈಲಕತ್ತಾರ ಯಾರ್ ಬೈಲಕತ್ತಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರ ಅವರು. ಕಮ್ ಸೆ ಕಮ್ ಏಕ್ ಪನ್ನೆ ಪೆ ಫಿಟ್ ತೋ ಆ ರಹಿ ಹೈ, ಅಗರ್ ಮೇರೆ ಪರಿವಾರ ಕೋ ಜೋ ಗಾಲಿಯಾ ದಿ ಹೈ ಇನ್ ಲೋಗೋ ನೆ, हम लिस्ट बनाना शुरू करें तो हम किताब छपवा लेंगे। यूरिग बैदित नोडिदा लिस्ट माडोदाद्रा ಒಂದು ಪೇಜ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪರಿವಾರದ ಮೇಲೆ ಇವರು ಬೈದಿದ್ದ ನೋಡಿದ್ರ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವಷ್ಟು ನಾವು ಹೇಳುವಷ್ಟು ಇದು ಅದ. ಹಿಮ್ಮತ್ ಕರೋ ಮೋದಿ ಜೀ, ಮೇರೆ ಭಾಯಿ ಸೆ ಸಿಖೋ, ಧೈರ್ಯ ಮಾಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಜಿ ಅವರೇ, ನನ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು. मेरा भाई कहता है गाली क्या, मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए. नन्ना तम्मा अन्ना हेतने ई देश चलो गाली अष्टे अल्ल गोली सुरके तगोलिक नानु सिद्धनिदीनि अंत. मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा, तुम गाली दो गोली दो छुरा मारो कुछ भी कर लो. राहुल गांधी और हेतरे ई देश जनरिगोस्कर ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನೀವು ಬೈದಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ನನ್ನ ಅಪಮಾನ ಮಾಡ್ರಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋಲಿ ಹಾಕ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಸತ್ಯದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಡ್ಕೋದೆಂದು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಘಬರಾವ್ ಮತ್ ಮೋದಿ ಜಿ, ಘಬರಾವ್ ಮತ್, ಮೋದಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ ಹೈ, ಮೋದಿ ಅವರೇ ಸಬ್ ಸಹನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ, ಹಿಮ್ಮತ್ ರಖನಿ ಪಡ್ತಿ ಹೈ, ಆಗೆ ಬಡ್ನಾ ಪಡ್ತಾ ಹೈ. ಮೋದಿ ಅವರೇ ಅನ್ಸ್ಬೇಡಿ, ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜೀವನ, ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಯುವುದು ಸಹಜ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗ್ತದ, ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ನೀವೇ ಕನ್ಸ್ತೀರಿ. ಔರ್ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಆಜ್ ಮೈ ಆಪ್ಸೆ ಬಾತ್, ಜಹಾ ತಕ್ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಒಬಿಸಿ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ, ಉನ್ಹೋನೆ ಆಪ್ಕೋ ಬತಾಯಾ ಕಿ ಆರಕ್ಷಣ ಬಢಾಯೆಂಗೆ, ಯಹಾಂ ಪೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಮೇ ಬೋಲಾ ಬಢಾಯೆಂಗೆ, ಕೇಂದ್ರ ಮೇ ಇನ್ಕಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೈ, जब सरकार को का समय आया कि आरक्षण को बढ़ाने का काम करना है संविधान में डालना है, तो 14 मार्च को मोदी जी की सरकार ने क्या कहा पार्लियामेंट में, कहा कि ये नहीं हो सकता है. तो यहां आपको कहा कि आरक्षण बढ़ाया जाएगा, वहां 4 साल के लिए कुछ नहीं किया, और उसके बाद जब समय आया तो कह दिया कि नहीं हो सकता. अब आप कांग्रेस की सरकार को देखिए, नाग मोहनदास कमेटी बनाई थी कांग्रेस ने, उस कमेटी ने कहा
कि एससी के लिए 15 से 17 तक 17% तक बढ़ाना है आरक्षण। उसने कहा कि एसटी के लिए 3% से 7% बढ़ाना है। कब कहा? 4 साल पहले कहा। 4 साल के लिए बीजेपी की यहां पे सरकार थी, बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया। अब चुनाव आ रहा है, फिर से वही बातें शुरू। जिन नौजवानों को रोजगार नहीं मिला है, अपना हक मांगो। जिन महिलाओं को कुछ नहीं मिलता, महंगाई से तरस रही है, अपना हक मांगो। जिनको लड़ाया जा रहा है एक दूसरे से, जाग जाओ। इस लड़ाई झगड़े से सिर्फ उन्हीं का फायदा हो रहा है, तुम्हारा नहीं हो रहा है। चाहे तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी, फायदा सिर्फ उन्हें हो रहा है। और जितना इनकी बातों में आप पढ़ते चले जाएंगे, उतना नुकसान इस प्रदेश का, इस देश का होते चले जाएगा। देखिए, इस चुनाव में मुद्दे क्या है, उससे ध्यान मत भटकाइए। मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, विकास नहीं हुआ है, लूटा गया है जनता को, यही मुद्दा है। अगर मोदी जी या बीजेपी के जो नेता हैं, जनता का ध्यान कहीं और आकर्षित करना चाहते हैं, उसको भटकाना चाहते हैं, तो वो करें, हम नहीं करेंगे। मैम, आज हमारे लिए मुद्दे क्लियर है। ये चुनाव जनता के लिए है, जनता चुनती है कि उसकी सरकार कौन सी आएगी, कैसी आएगी, और जनता जानती है कि उसके साथ धोखा हुआ है।